Actually, so I think Golmaal has got a pretty good reputation of pura dhamal and dhamaka. So I'm expecting ye wala bhi to be as entertaining. Rohit has worked for really long on all the Golmaal series, and I expect nothing but madness from all these boys. I'm very fond of all of them, and I'm just waiting to watch the film. Okay, because it's a comedy film. Aapke boys ke kya hoga? Aapke boys means? Well, I think that all of them are great actors, and I expect them to do a fantastic job. There is nothing else, you know. They are all fine actors, and I know it's going to be pura. It's going to be great fun. नहीं, we have no filmy talk at home. हम लोग घर पे पढ़ाई के बारे में बात करते हैं और हॉलीडेज के बारे में बात करते हैं कि how which is your date free and where can we go. तो सक्सेस के बाद करना कुछ अपना काम होने वाला है. I don't know boss. ऐसे नहीं कि profits मेरे घर आ रहे हैं तो मैं तो घर जाऊंगी. Thank you. और ऑलरेडी फिल्म आई थिंक 37 करोड़ कमा चुकी है पहले दिन. सो नथिंग फॉर मी टू बी नर्वस एंड इट्स गोइंग टू डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बिजनेस. वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री. वेरी हैप्पी फॉर माय फ्रेंड अर्शद एंड फॉर एवरीवन एल्स इन्वॉल्व विद द फिल्म. गोलमाल के सीक्वल्स फोर्थ सीक्वल है तो क्या उम्मीदें हैं बताना. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेज एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट finally there's a big success, big hit in 2017 which has done very good business. And my friend Arshad is here. Varsi, aaja, come, you talk. Bachche paida ho gaye. Hello. Tu aaya na, kuch to anap chanap pakne ke liye aa gaya. Nimbu mirchi ko kya ho gaya tumhe? Last mein gaadi ke aake nimbu mirchi lagate na to gaadiyan sari ud gayi, nimbu mirchi reh gaye. तो लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे. हाँ यार, थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक गॉड फॉर दैट. जब मूवी बन रही थी फ्रेंचाइजी है तो इतनी उम्मीद थी आपको कि यार मुझे पता था लोगों को फिल्म पसंद आएगी, पर मुझे ये नहीं पता था क्या नंबर्स होंगे और क्या अमाउंट होगा. वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है गेस करना, पर मेरे ख्याल से अगर वो हम लोग को सारी स्क्रीनिंग मिल जाती तो शायद नंबर्स और भी बड़े होते. बट वेरी हैप्पी अबाउट दीज नंबर्स, वेरी गुड नंबर्स. कहीं ना कहीं डर था कि सामने सुपरस्टार जैसी मूवी है, लोग आमिर को पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा इस बात पे डरते रहते हैं. बट मैंने मुझे लगता है इतनी सारी आबादी हमारी, हर फिल्म की जगह है, सबके लिए जगह. दो रिलीजेज है बड़ी, इतनी बड़ी आबादी है, देखते हैं. सबकी अपनी अपनी पसंद होती है. जिनको सीक्रेट सुपरस्टार पसंद है वो शायद गोलमाल ना देखें, जो गोलमाल के ऑडियंस शायद वो ना देखें. बट कुछ भी मिला हो, इतने सारे लोग हैं, प्रॉब्लम नहीं है. अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहा है और किससे मिला? अरे बाप रे, वो मत पूछो यार. यार अभी पता नहीं, अभी तो शुरू हुआ है. मैं ये कह रहा हूँ कि ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त है, और अभी फ्राइडे है तो आई थिंक मंडे को एक्चुअली पता चलेगा. बट आई थिंक हम लोग काफ़ी सेफ है. आई थिंक वी हैव इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन. बॉय? अच्छा, मैं बॉय हूँ उनका. अच्छा, वो ऐसी बातें कर रही है. मेरे ख्याल से हम सब ने अच्छा काम किया. हाँ, हाँ ये यार, मैं प्रमोशन के नाम पे मेरी उंगली कट गई, चार टांगे लगे हैं. तो हम लोग प्रमोशन कर रहे थे दिल्ली में, तो कट गया हाथ मेरा. हाँ, धमाल आने वाली है. धमाल आएगी, धमाल की शूटिंग शुरू नहीं, धमाल की शूटिंग शुरू होगी, फिर मुन्ना भाई की शूटिंग. धमाल में फिर अजय वर्मा करेंगे. हाँ, मुन्ना भाई का काम चल रहा है. अरे वो मेरे ख्याल से अगले साल है, मुझे ऐसी बात. जब तक वो संजू की भाई में खत्म नहीं. थैंक यू वेरी मच. गर्मी बहुत हो रही है.
हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज गोलमाल एज अ फ्रेंचाइज बहुत इंजॉयबल हमेशा रहती है और मेरे बहुत करीबी दोस्त अरशद हर गोलमाल के इंस्टॉलमेंट में रहते हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड अरशद ने ये स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करी है लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड गोलमाल इज अ वेरी एंजॉयबल फ्रेंचाइज आज पहली बार पूरी फैमिली के साथ आए हैं बच्चों के साथ तो जी धमाल होने वाली है क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जो आई थिंक हम बच्चों के साथ देखना चाहते हैं इट्स अ फिल्म दैट द एंटायर फैमिली कैन एंजॉय मज़ा आता है हमेशा जब भी हमने गोलमाल देखा है हमेशा हर गोलमाल मैंने अरशद के साथ ही देखा है तो बहुत मज़ा आता है इसलिए सारी फैमिली आई है मेरे अभी दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक तो हमने अनाउंस करा है 1983 वर्ल्ड कप पे जो एक फिल्म बना रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर शुरू होगी कभी और उससे पहले एक मैं अमेजोन के लिए मिनी सीरीज़ कर रहा हूँ कॉल्ड द फॉरगॉटन आर्मी जी थैंक यू మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్